नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर भागलपुर एसएसपी ने मीराचक गांव को लिया गोद, गांव के विकास को बताया प्राथमिकता। टीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले को लेकर राजभवन हुआ सख्त, रजिस्ट्रार ने ऑडिटोरियम का किया निरीक्षण, कहा दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई। अंगिका भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए शनिवार को बनेगी मानव श्रृंखला, कई राजनीतिक दलों ने दिया समर्थन। और राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ ने चलाया जागरूकता अभियान। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर शनिवार को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला। घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल युवक को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रामचंद्रपुर नपटोलिया मिर्जापुर के समीप बेलगाम ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मृतक युवक की पहचान खरीक थाना क्षेत्र के विश्वपुरिया गांव निवासी स्वर्गीय प्रमोद कुमार दास के पुत्र निर्भय कुमार एवं घायल की पहचान तारापुर थाना क्षेत्र के भगलपुरा गांव निवासी कमलेश्वरी चौधरी के पुत्र मनोज चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस मौके से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर मामले की जाँच में जुट गई है। बिहार पुलिस सप्ताह की शुरुआत शनिवार से हो गई, जो 27 फरवरी तक चलेगी। भागलपुर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय मीराचक सबौर में एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सभी जिले के एसएसपी या एसपी को एक गांव गोद लेना अनिवार्य है, और इसी के तहत सबौर के मीराचक गांव को भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने गोद लिया है। कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने स्कूल के छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से बचाव, नशे के दुष्प्रभाव, महिला सुरक्षा, बाल विवाह, गुड टच, बैड टच एवं मोबाइल से किए जाने वाले अपराध से बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि आपराधिक घटनाओं के साथ अन्य किसी प्रकार की समस्या ग्रामीणों या छात्र छात्राओं को हो तो उसकी सूचना अविलंब एसएसपी कार्यालय को दी जाए, जिससे त्वरित समस्या समाधान या जरूरतों की भरपाई की जा सके। ग्रामीणों के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर पुलिस पब्लिक के बीच दूरियों को समाप्त करने के लिए की गई इस पहल से ग्रामीण और बच्चे काफी उत्साहित दिखे। एसएसपी ने कहा कि गांव को गोद लेने के बाद उनकी जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है, और अपराध पर अंकुश लगाने के बाद गांव की हर जरूरत का ख्याल रखना और विकसित करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान एसएसपी ने पूरे गांव का भ्रमण कर निरीक्षण किया और मौजूदा हालातों का जायजा भी लिया। मौके पर मुखिया मनोज कुमार, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, महिला थाना अध्यक्ष रीता कुमारी समेत कई अधिकारी, पुलिस बल, छात्र छात्रा एवं ग्रामीण मौजूद थे। बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर, जो कि आज से प्रारंभ हुआ है और 27 तारीख तक चलेगा, उस अवसर पर इस वर्ष एक नया प्रयोग किया जा रहा है, और सभी जिलों में जो वहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक है उनके द्वारा एक एक गांव को गोद में लिया जाना है। इसी क्रम में भागलपुर जिला में मीराचक गांव का चयन किया गया है और उसको हम लोग आज गोद में ले रहे हैं। उसके तहत मुख्य रूप से आज हम लोग यहाँ के सरकारी स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनको सुरक्षा संबंधी विषयों पे जानकारी दी जा रही है। खास करके जो आजकल साइबर क्राइम है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो साइबर क्राइम के विरुद्ध अवेयरनेस के संबंध में, या फिर जो गुड टच बैड टच होता है, जो महिला संबंधी अपराध होते हैं उसके संबंध में अवेयरनेस आज दिया जाएगा। साथ ही अन्य कई तरीके का कार्यक्रम किया जाएगा, विशेष करके इस स्कूल में हम लोग जो किताबों की कुछ आवश्यकता है तो उसको भी हम लोग फुलफिल करेंगे, किताबें हों या स्पोर्ट्स के मटेरियल है वो हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एकलव्य प्रतियोगिता के दौरान लाखों रुपए की कॉपी बिक्री मामले पर राजभवन सख्त हो गया है। अब राजभवन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल टीएमबीयू में बिना परचेज एंड सेल कमेटी की अनुमति और बगैर टेंडर की कई ट्रक कॉपियां बेच दी गई है। इसका खुलासा सीनेट की वार्षिक बैठक में बुधवार को सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने किया, जिसके बाद सदन में कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने खुद के बचाव में कॉपी बिक्री मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही।
साथ ही कहा कि कॉपी कब और कैसे बेची गई इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद के अनुसार कुलपति प्रोफेसर ए के राय ने ही कॉपी बेचने का अप्रूवल दिया था। इधर शनिवार को कॉपी बिक्री मामले की पड़ताल करने TMBU के रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह खुद विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम और दिनकर परिसर पहुंचे और ड्यूटी में तैनात कर्मी मृत्युंजय कुमार झा एवं अरविंद कुमार से जानकारी ली। रजिस्ट्रार ने दोनों कर्मियों से सख्ती के साथ पूछताछ की और घूम घूम कर ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। इसके बाद रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कर्मियों से कॉपी निकाले जाने की परमिशन लेटर दिखाने की बात कही, जिस पर कर्मियों ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के मौखिक आदेश पर उन लोगों ने कॉपी निकालने दिया है। वहीं रजिस्ट्रार ने कर्मचारियों से सभी बातों की लिखित जानकारी मांगी। कॉपी बिक्री मामले पर कुलसचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। अभी डिस्कशन हुआ है, ये इसके बारे में जो उचित कार्रवाई है जरूर की जाएगी। अभी मैं अपने लेवल पे, मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे तो सीनेट की मीटिंग में मालूम हुआ। मैं आया भी था उस दिन शाम को, लेकिन बंद था इधर तो कोई था नहीं। उसी दिन मैं वहाँ से, और दो दिन छुट्टी हो गई बीच में, तो मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था। तो अब इसकी जो उचित कार्रवाई होगी जरूर की जाएगी। अंग प्रदेश की मातृभाषा अंगिका को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने एवं अंगिका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रविवार को भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड में अंगिका मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। अंग प्रदेश अंगिका महासभा की ओर से आयोजित मानव श्रृंखला को भागलपुर के विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों, पूजा समितियों एवं तमाम अंगिका प्रेमियों ने अपना समर्थन दिया है। इसको लेकर महासभा के संरक्षक लखनलाल पाठक, संयोजक गौतम सुमन, कांग्रेस नेता संजय सिन्हा, राजद नेता चक्रपाणि हिमांशु, जदयू नेता पप्पू सिंह, रालोसपा नेता ओम भास्कर समेत कई लोगों ने एक स्वर में अंगिका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने के लिए आवाज बुलंद की और एकजुट होकर अंगिका के अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात कही। देखो, हमरा सबके एक उद्देश्य, हमरा माय के, हमरा जो भाषा की मातृभाषा ओकरो स्मृता के सवाल के लेकर अंगिका के अष्टम सूची में शामिल करे के लेकर हमरा सब अब चाहे छे कि ओकरा अष्टम सूची में जल्दी से जल्दी सरकार लाना, ओकरा ले मानव श्रृंखला लगा के सरकार के आगाह करी रहल छे कि अब हमरो बात जल्दी मानो। हमर राज्य आरो केंद्र सरकार के बतावे ला चाहे छे कि आब होश में आबी जा, है पेट से जुड़लो सवाल के साथ आब खेलबार नहीं करो। आखिर कब तलक हमरा सनी के बुर्वक बनेते रहो? हमरो भाषा पेट से जुड़लो सवाल छके, रोजगार से जुड़लो सवाल छके। ये खाली बिहार और झारखंड के 21 जिला रो नहीं, देश का एनो कोई प्रांत नहीं छे, विदेश का एनो कोई जिला नहीं छे जहां अंगिका भाषी अपनो प्रतिभा अपनो हुनर से लोगों का लोहा न मनवा रहा छे। एकराला सारा अंगिका समाज ये अब कसम खा ले छे कि अंगिका भाषा का संविधान के 8वां सूची में डालना ही पड़ते। उदाहरण स्वरूप बताई छे कि भोजपुरी के जब तो डाला पारे छो, मैथिली के तो डाला पारे छो, तो अंगिका कहने डाल। कल खड़ी जे इतवार के 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में जो मानव श्रृंखला जो हो रही है सेंडिस कंपाउंड के मैदान में, एक्चुअली भागलपुर के क्षेत्र में लगभग की छे मतलब धारणा के देहातवर भाषा छे, अंगिका है देहातवर भाषा छे, देहातवर में रहे छे वहीं बोले छे, लेकिन है धारणा लगभग सामाजिक स्तर से अंदर से निकाले पड़ते। दिनांक 23 फरवरी को स्थानीय भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड में अंगिका मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि अंगिका भाषा को, जो कि हमारी मातृभाषा है, इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिले। अंगिका भाषा प्यार के भाषा छे। अंगिका भाषा अगर गाँव देहात में हम सब जब बोलते छे तो लोग के एक दूसरा से प्यार की बात हो जाए छे। और अंगिका भाषा बहुत प्रचलित भाषा छे। और अंगिका के लिए जखनी राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री छे तो भागलपुर में अम्बेडकर के भी एक विभाग खोललक है और अंगिका के भी खोलने छे। हमरो भाषा का कोई भी तरह रो सरकार के तरफ से न सम्मान मिली रहलो छे, न हमरो बाल बच्चा का कोई रोजी रोजगार मिली रहलो छे, न हमरा सनी का एकरा प्रति कुछ विचार दे रहलो छे, जेकरे वास्ते हमरा सनी कल 23 तारीख का सेंडिस कंपाउंड में एक विशाल जनसैलाब
आबि रहलो छै जकरा से कि हमरा सनी मानव श्रृंखला बनेबे। आर राजस्थान के सीकर जिला अंतर्गत रिंगस जंक्शन पर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ RPF एवं GRP की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि श्री खाटू श्याम मेला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इस वर्ष 25 फरवरी से 10 मार्च तक खाटू श्याम मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। रेल प्रशासन के साथ सीकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि RPF और GRP की मदद से अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर भागलपुर की टीम भी राजस्थान पहुंच चुकी है और मेला की तैयारी में जुटी है। आज केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ RPF और GRP के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान के सीकर जिला अंतर्गत रिंगर्स रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया गया। ये वही स्थान है जो राजस्थान केंद्र में बाबा श्याम के यहाँ दरबार में लोग दर्शन करने आते हैं। लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने लोग विदेशों से आते हैं। इस बार उम्मीद जताई जा रही है करीब 50 से 55 लाख लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे। इसके लिए हमारी संस्था केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ खाटू श्याम थाने, रिंगस थाना और रिंगस रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान के साथ साथ में बैनर, पोस्टर, साउंड सिस्टम, लाउड ढेलर के द्वारा लोगों को जागरूक करने का, साथ ही बैनर पोस्टर के माध्यम से ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ये संस्था निःशुल्क निस्वार्थ पूरे देश में जागरूकता अभियान चला रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को पूरे बिहार में बने नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। नवगछिया में भाजपा कार्यालय उद्घाटन के दौरान पूर्व केंद्र मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन मौजूद थे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के लिए जो सपना देखा था वह आज पूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि बिहार के 11 जिले में नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन बिहार की मिट्टी में जन्म लिए राष्ट्र अध्यक्ष के द्वारा होना बिहार के लिए गौरव की बात है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भाजपा चुनाव लड़ेगी। इससे पूर्व लंबे समय बाद भागलपुर पहुंचे सैयद शाहनवाज हुसैन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर अरविंद चौधरी, भोला कुमार, नंदनी सरकार, कुमकुम देवी, मुकेश राणा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार में खुशी की लहर है। बिहार की सरजमी में जिन्होंने जन्म लिया, जिनकी जन्मभूमि बिहार है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जगत प्रकाश नड्डा जी। ये बिहार के लोगों का सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बिहार से जगत प्रकाश नड्डा जी बने हैं। पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ रही है। अगला चुनाव हम लोग इकट्ठे होकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति के बैनर तले शनिवार को शाहकुंड प्रखंड के दरियापुर में जनसभा का आयोजन किया गया। NPR, NRC एवं CAA के विरोध में जाप संयोजक पप्पू यादव ने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि मोदी सरकार NPR, NRC और CAA के जरिए देश की जनता में फूट डालने का प्रयास कर रही है। मंच से पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और चुनाव में सोच समझ कर वोट डालने की बात कही। जनसभा के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने पप्पू यादव के समर्थन में नारेबाजी की। मौके पर हाजी अली मंसारी, देवेंद्र प्रसाद मोदी, लल्लन पासवान, गुलफ्सा जबी समेत कई लोग मौजूद थे। जब तक ये इस मुल्क को बहुरूपिया बना के रहेंगे तब तक ये आवाज उस
संस्थान है, लेकिन हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़े और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने वाले भागलपुर के शिक्षक डॉक्टर दीपो महतो का चयन इंटरनेशनल जर्नल के एडिटर के रूप में हुआ है। तिलकवान जी, भागलपुर विश्वविद्यालय के माड़वाड़ी कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर दीपो महतो फिजिक्स के विद्वान शिक्षक होने के साथ एक वैज्ञानिक भी हैं। फिलहाल डॉक्टर महतो फिजिक्स के कई बिंदुओं और ब्लैक होल पर रिसर्च कर रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजिक्स स्टडी एंड रिसर्च एडिटर के रूप में चयन होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इससे पहले वह बुलेटिन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंस फिजिक्स के एडिटर रह चुके हैं। वहीं कई शिक्षकों एवं शोधार्थियों ने एडिटर बनने पर एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक को बधाई दी। मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजिक्स स्टडी एंड रिसर्च में एक एडिटर के रूप में हुआ है। इससे हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी शिक्षक यदि लगातार पढ़ाई और शोध कार्य से अगर जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से वे उच्च शिखर प्राप्त कर सकते हैं। यही हम मैसेज अपने शोधार्थी और जो शिक्षक हैं सभी को मैं यही संदेश दे रहा हूँ। सुल्तानगंज मुरारका कॉलेज का शनिवार को 61वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुलगीत से हुई। इसके पूर्व कॉलेज के शिक्षक और अतिथियों ने कॉलेज के संस्थापक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। स्थापना दिवस समारोह में कॉलेज की उपलब्धि प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अमरकांत सिंह ने गिनाई, साथ ही कॉलेज को विकास के पथ पर ले जाने की बात कही। हम लोगों ने जो अभी पिछले साल बैक से करा के अद्यतन स्थिति है कॉलेज का, जो प्रगति कर रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी सारे के गणमान्य व्यक्तियों को बताया और आगे भी ये प्रगति जारी रखने का प्रयास करूंगा। बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ के आह्वान पर संघ के भागलपुर प्रमंडल कमेटी की ओर से शनिवार को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई चौक पर बाइक चालकों को रोककर संघ के सदस्यों ने सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया और बिना हेलमेट बाइक चालकों को हेलमेट बांटा। साथ ही ट्रैफिक नियम का पालन करने के साथ गाड़ी तेज रफ्तार में नहीं चलाने की अपील की और चार पहिया वाहन चालकों को हमेशा सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाने और सड़क पर सुरक्षित यात्रा करने की बात कही। आज के कार्यक्रम जो है वो बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ, जो श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, निबंधन संख्या 4215/2016 है और जिला परिवहन मित्र संघ भागलपुर और जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक के सहयोग से जो है आज जो हेलमेट वितरण का प्रोग्राम रखा गया था, जो कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता अभियान से संबंधित था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के छठे दिन परीक्षार्थियों ने द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा दी। शनिवार की परीक्षा संपन्न होने के बाद अधिकतर छात्र छात्राओं की परीक्षा संपन्न हो गई और परीक्षा समाप्ति की खुशी में छात्रों ने जमकर मस्ती की। होली के पूर्व ही छात्रों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा समाप्ति पर खुशी व्यक्त की। हालांकि औपचारिक रूप से सोमवार को वैकल्पिक विषय की परीक्षा के साथ मैट्रिक परीक्षा संपन्न होगी। वैसे छात्र जिन्होंने वैकल्पिक विषय का चयन किया है वह सोमवार की परीक्षा में शामिल होंगे। थोड़ी सी मस्ती करेंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई के बारे में सोचेंगे कि क्या सब्जेक्ट हमको लेना है। बहुत अच्छा जितना आया इसके लिए तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा इसके लिए, और किसी के साथ मनाने के मतलब फ्रेंड के साथ मनाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग अभी मना रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर शनिवार को सुंदरवती महिला महाविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत डे मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर एवं संचालन एक भारत श्रेष्ठ भारत की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर माला सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में छात्राओं को चलचित्र के माध्यम से त्रिपुरा राज्य की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और उसकी विरासत से अवगत कराया गया। टेलीफिल्म के माध्यम से छात्राओं और शिक्षकों को त्रिपुरा के कलाकृति के नायाब नमूने, पारंपरिक रीति रिवाजों और प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत कराया गया। इस दौरान प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनुराधा प्रसाद ने त्रिपुरा की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति से छात्राओं को अवगत कराया। मौके पर कॉलेज की कई छात्राएं मौजूद थी। आज का प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, हर बच्चा एक दूसरे राज्य से संबंध बनाए ताकि वो दूसरे राज्यों की संस्कृति को जाने, वहाँ की शैक्षणिक पद्धति को जाने, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी होती है उसको जाने। इसीलिए
सरकार ने ऐसी एक योजना बनाई है और उसका नाम रखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, जिसको आप EBSV कहते हैं, उसके तहत हम लोगों ने आज EBSV डे मना रहे हैं। और SM कॉलेज भागलपुर को त्रिपुरा के गवर्नमेंट कॉलेज से जोड़ा गया जो कंचनगढ़ में स्थित है। हम लोग त्रिपुरा की संस्कृति, सभ्यता, उसकी विरासत को यहाँ की छात्राओं को बताएंगे, ताकि चूँकि इंडिया में डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा की खासियत है कि हम उन डाइवर्सिटी में भी हम एकता कायम रखे हुए हैं। अखिल भारतीय गायत्री परिवार युग सेना प्रकोष्ठ के द्वारा भागलपुर के बड़ी खंजरपुर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गायत्री उपासना वर्ष सह 25 कुंडिया गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महायज्ञ को लेकर काफी संख्या में महिलाओं एवं युवतियों ने सिर पर कलश लेकर शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान रथ पर माँ गायत्री की चित्र पर श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित किया। शोभा यात्रा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भजन कीर्तन की धुन से माहौल भक्तिमय हो गया। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर, बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर भागलपुर SSP ने मीराचक गांव को लिया गोद, गांव के विकास को बताया प्राथमिकता। TMBU कॉपी बिक्री मामले को लेकर राजभवन हुआ सख्त, रजिस्ट्रार ने ऑडिटोरियम का किया निरीक्षण, कहा दोषियों पर जल्द होगी कार्रवाई। अंगिका भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए शनिवार को बनेगी मानव श्रृंखला, कई राजनीतिक दलों ने दिया समर्थन। और राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ ने चलाया जागरूकता अभियान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।